78 दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले 36 सेकंड के लिए, और 36 सेकंड बोलने के बाद वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चले गए। क्या दिल का दर्द पार्टी देखकर, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखकर बदल जाता है? मैं कहती हूँ अगर मुझ में हिम्मत है तो क्या सुप्रिया जी में हिम्मत है? वो पलट के ये बोले कि जिस मंत्री को दरखास्त किया वो गलत किया। आपको आजकल टीवी पर आने का मौका मिल रहा है उसका ये मतलब नहीं आप अभद्रता करिए। पिछले 5 साल से दिल्ली से आ रही हूँ सुप्रिया जी, आपके नाम का मतलब है सुप्रिया क्या? मैंने सुना था कि कांग्रेस भी यहाँ पे रखता है जो किसी भी हद तक जैसे आज मैंने देखा है। यहाँ पर आकर यहाँ पे लल्लो लल्लो करेंगी आप, किसी को क्योंकि नाम प्रधानमंत्री करती ना कहती। प्रधानमंत्री माफी मांगे, स्मृति ईरानी माफी मांगे, गृह मंत्री माफी मांगे, बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करो। आज क्या हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे ज्यादा चिंतित हैं कि वीडियो की टाइमिंग क्या है। आज चिंता ये है कि ये साजिश है। आज चिंता ये है कि वीडियो की टाइमिंग संदेहास्पद है। द फैक्ट कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को सब कुछ पता था 78 दिन से, और उनके कथन के अनुसार एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हुई है, ऐसे चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? 78 दिन के बाद प्रधानमंत्री बोले 36 सेकंड के लिए, और 36 सेकंड बोलने के बाद वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चले गए। जो मणिपुर में हुआ है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हुआ है। ये मैं इसलिए क्योंकि 78 दिन से मणिपुर जल रहा था और औरतें झुलस रही थी। जिस तरीके से ये बात करते हैं मुझे लगता है संवेदना खो चुके हैं। इस समय भी इनको ज्योग्राफी दिखाई देती है, इन्हें एक ही समय पर देश के दो कोनों में होती हुई घटनाओं में से एक ही महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि ये इनके एजेंडा, इनके नैरेटिव को सूट करता है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। सुप्रिया जी कहती है महिला होने के नाते, मैं कहती हूँ इंसान होने के नाते। इंसान होने के नाते हम सबके दिल में उतना ही दर्द है। क्या दिल का दर्द पार्टी देखकर, पार्टी का चुनाव चिन्ह देखकर बदल जाता है? और इस तरीके की उम्मीद रखना और इस तरीके की बातें करना, मुझे लगता है यहाँ पर आप सिचुएशन की ग्रेविटी को खो देते हो। सबसे पहली बार जब बार बार आप 78 दिन कह रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं 78 दिन तक ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने काम नहीं किया। जिस तरीके से एथनिक दंगे हो रहे हैं मणिपुर में, उस समय में आर्मी को भेजा गया, लोगों को वहां से एयरलिफ्ट कराया गया, वहां पर कैंप्स बनाए गए, जो बच्चे पीछे छूट गए थे उनको अपने माँ बाप से मिलाया गया, अनाज का दाना भेजा गया। तो आप प्लीज यहाँ पर ये अपना नेगेटिव एजेंडा मत चलाइए ये कहकर कि वहाँ काम नहीं हुआ है। हाँ, जो हादसा हुआ बहुत ही भयानक था और वो हम सबके लिए उतना ही भयानक था, खासकर के लिए सरकार के लिए, क्योंकि जवाबदारी अब जिनसे मांग रही है एक्शन वो ही ले रहे हैं। अरेस्ट उन्होंने ही किया है, उन्होंने ही वादा करा है कि चाहे पाताल लोक से ढूंढ कर लाना पड़े, हर एक आदमी को ढूंढ कर लाया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुझमें हिम्मत है विशाल जी, मैं गलत को गलत बोल सकती हूँ, मुझमें हिम्मत है और मेरी पार्टी ने मुझे इतना हक दिया है कि मैं ये कहूँ जो मणिपुर में हुआ ठीक नहीं हुआ आज। लेकिन मैं कहती हूँ अगर मुझमें हिम्मत है तो क्या सुप्रिया जी में हिम्मत है? वो पलट के ये बोले कि जिस मंत्री को दरखास्त किया वो गलत किया। क्या उनमें हिम्मत है ये बोले कि जो महिलाओं की खिल्ली उड़ाते हैं मंत्री, जो ये कहते हैं राजस्थान पुरुषों का प्रदेश है, मतलब राजस्थान का अपमान करते हैं, राजस्थान के खिलाफ वो आवाज उठाए, क्या वो गलत को गलत कह सकते हैं? चलिए मैं सुप्रिया सेनेत से जवाब देता हूँ। आपने जो सवाल पूछे मैं सुप्रिया सेनेत से जवाब देता हूँ। सुप्रिया जी क्या कहेंगे आप? आपके मंत्री को बर्खास्त किया क्योंकि उन्होंने सदन में महिला सुरक्षा पर आईना दिखाया? क्या आप बंगाल और बिहार की उसी तरह से निंदा करेंगे जिस तरह से मणिपुर की कर रही जो घटनाएं हुई हैं? मैं इसका आपको डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ 38 दिन पहले चारू जी आपके पास मैं आता हूँ, वो पुरानी बातें याद करती है। चारू जी मैं आपके पास आता हूँ, मैं पहले सुप्रिया श्रीनेत का जवाब लेता हूँ, मैं फिर आपके पास आता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत जवाब दीजिए, ये संवेदनशील मामला है, तू मैंने मत पढ़िए, अपनी और मेरी भाव भंगिमा को उन औरतों को सोचकर थोड़ा मर्यादा मेंटेन करिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो गिरफ्तारी होती? अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो स्मृति ईरानी अपना मुंह खोलती? अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते? अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो वीरेंद्र सिंह बताते ऐसी
इसको संवेदना कहते हैं। अभी भी गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता में, शर्मनाक बात है। ऐसे समय पर भी आपको राजनीति याद आती है, ऐसे समय पर भी आप बोल नहीं पाए कांग्रेस में जब हुआ गलत हुआ। मैं बोल रही हूँ आपको आजकल टीवी पर आने का मौका मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं आप अभद्रता करिए। सुप्रिया जी आप जवाब दीजिए प्लीज, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मैं पिछले 5 साल से टीवी पर आ रही हूँ सुप्रिया जी, बड़ा नाम मैंने नहीं लिया सुप्रिया, ठीक है? अपनी पार्टी का ऑफिशियल बड़ा है तो सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पार्टी से हटाए गए मंत्री के लिए आवाज नहीं उठा रही हूँ, ये सब देख लड़की हूँ डांस करती हूँ की नारे देने वाली पार्टी से आप आती हैं बारे में सोचो, यहाँ पर आकर घर लड़ सकती हूँ। लेकिन अगर आप मंत्री बोले राजस्थान में बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा, उसकी जगह प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं, सदन में क्यों नहीं बोल रहे? मैंने सुना था, मैंने सुना था कि एक और जिस भी यहाँ पे राज्य कोई भी हो वो हल्ला कोई भी हो बीरेन सिंह को संरक्षण देकर बैठाया हुआ है और यहाँ पर आकर यहाँ पे लल्लो लल्लो करेंगी आप बीरेन सिंह को बर्खास्त करिए, ये आप सोचिए, ये आपकी सरकार को सोच रहा है, दोनों जगह सरकार जब खराब होगा मुझे बोलिएगा।